तीन विलुप्त जानवर हैं जिन्हें वैज्ञानिक पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। सेबर टूथ टाइगर के जीवाश्म हाल के वर्षों में खोजे गए हैं। हालांकि इन जीवाश्मों में अभी तक कोई उचित डीएनए नहीं पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वे जीवाश्म से डीएनए प्राप्त कर सकते हैं और इसे अफ्रीकी शेर जैसी प्रजाति के डीएनए के साथ मिला सकते हैं, तो वे इस डरावने प्राणी को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकते हैं। पूनी मैमथ यह 10,000 साल पहले पृथ्वी से गायब हो गया था, लेकिन 21 जून 2022 को मैमथ के मृत बच्चे के जीवाश्म पाए गए, जिस पर कई तरह से अध्ययन किया जा रहा है। उम्मीद है कि वैज्ञानिक इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर। दक्षिणी चीन में एक डायनासोर का अंडा खोजा गया था जो उल्लेखनीय रूप से संरक्षित था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अंडों में डीएनए हो सकता है जिसका इस्तेमाल डायनासोर को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद से लंबे समय के अंतराल के कारण यह एक अत्यधिक अटकलबाजी और चुनौतीपूर्ण प्रयास है, जिससे यह अनिश्चित हो जाता है कि वैज्ञानिक इस उपलब्धि को पूरा करने में सक्षम होंगे या नहीं।